दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की एक और स्पेशल वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखी कि 99% लोग कपड़े के बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। 35 कारण मैंने फर्स्ट वीडियो के लिए टाइटल डाला था, जिसमें से लगभग 18-19 से क्लियर हुए थे और बाकी के आज की पार्ट टू वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और आप सब जानते हैं कि ये सब कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं श्री बालाजी क्रिएशन करोल बाग से, जो एस सी रावत जी है हमारे। तो सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। पिछली वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे जी लोग आपने कमेंट्स भी देखोगे, बहुत जानना चाहते हैं कि आगे के जो पॉइंट है वे कब क्लियर करोगे जी। इस कमेंट से क्या होता है, हमें एक ऑक्सीजन मिलता है और मन करता है कि और आपके लिए काम किया जाए। हमें लगता है जो आप लोग कमेंट करते हैं उस कमेंट को देख करके लगता है कि हमें शायद हमारी आपको काफ़ी ज़रूरत है, और हमें जैसे आपके आपकी ज़रूरत है वैसे आपको हमारी भी ज़रूरत है। और बस मेरा एक ही मकसद है कि बेसिकली प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी खरीद लेंगे, बट पहले आप उसकी जानकारी ले लीजिए। जानकारी लीजिएगा तो आपकी कमाई का पैसा कोई दूसरा नहीं उड़ा पाएगा और आपका फ्यूचर आप अपना निर्माण कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में होता क्या है, एक तरफ तो आप अपना पैसा ज़्यादा खर्च करके आ जाते हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो उनका आपका जो नुकसान होता है, वो नुकसान ये होता है कि जिस कस्टमर को आप प्रोडक्ट बेचते हैं वो कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं हो पाता है। क्यों रिपीट नहीं हो पाता, चाहे बेशक आपकी नियत कितनी बढ़िया क्यों नहीं हो, बट आपको जब जानकारी नहीं है, खुद को जानकारी नहीं है, तो फिर नियत क्या करेगा वहाँ पे। क्योंकि नियतन तो आप बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, 100% हर कोई अच्छा होता है, बट आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे बेहतर परचेज कीजिएगा, कैसे कम से कम रेट में परचेज कीजिएगा, कैसे प्रॉपर साइज परचेज कीजिएगा। तो साइजिंग के मैटर पर हमने पीछे का वीडियो बनाया हुआ है, बात तो छोटी सी है बट ये छोटी सी बात नहीं, आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आपको यदि प्रॉपर जानकारी नहीं है तो अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे तो कस्टमर कब तक आपके पास आएगा? एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप खुद खाली बैठ जाएंगे। इसलिए इन पॉइंट्स को बारीकी से समझें और देखें, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट पर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हो तो एक बार विजिट ज़रूर करें आप, ठीक है, ताकि हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर सिखाने का आपको कोई पैसा नहीं ले जाता, आप आए, हमें इस बात से हम खुश हैं हम कि आपको सिखा रहे हैं। किसी का घर आबाद हो रहा है, कोई किसी को बचा रहे हैं, लूटने से बचा रहे हैं, हमारे लिए खुश इतना है। बात रही प्रोडक्ट की बात तो सेकेंडरी है मेरे लिए, सेकेंडरी क्या है, वो मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, मेरे प्रोडक्ट में रेट होगा। आप देखेंगे चार जगह एक प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, चार जगह मिलाएंगे, किसका मिलान करेंगे आप, रेट का और क्वालिटी का, वो सेकेंडरी है। यदि मेरे प्रोडक्ट में दम हुआ रेट में और क्वालिटी में, ऑब्वियसली आप आएंगे, और ये 100% आपको आना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ सिर्फ आपके और बीच में मेरे बीच में क्या है, और या प्रोडक्ट के सेल के बीच में क्या है, क्योंकि आपको क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी की जानकारी दे दूँ। जानकारी का मतलब कि आप कपड़े का पहचानना सीख लें, आप साइज को पहचानना सीख लें, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और यही अपने कस्टमर को आप सिखाएं। तो रिगार्डिंग कुछ पॉइंट उसके रह गए थे, तो संक्षेप में आपको, क्योंकि विस्तार से तो नहीं बतला पाऊंगा, इतना समय नहीं होता यहाँ पे ना, आप पूरा देख पाएंगे, तो मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ। जहाँ कहीं आपको लगे आपके कोई मतलब की बात है वहाँ आप हमसे पूछ लीजिएगा, आप हम जरूर क्लियर करेंगे या नेक्स्ट वीडियो बना डालेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। जी 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 जी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द आप लोगों की जो इच्छा थी कि हम किसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को क्यों ना रावत जी से हम लाइव बात करें, तो उस लाइव प्रोग्राम की कुछ बातें चल रही है, और मंडे को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाम को 5 बजे लाइव आए, और डायरेक्टली आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो लाइव होगी आपको सुनाई भी देगा, जो हमसे बात करेगा। तो आप लाइव प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कुछ वीडियोज़ हमने पहले भी शूट की हुई है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए गए हैं, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जी सर, अब आप बताइए कि 99% लोग कपड़े के बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बात जो ऐसे कब ये कहेगा तो ग्राहक आपके पास ही क्यों आए जी, ठीक है, आप ग्राहक मेरे पास ही क्यों आए, तो इसका तो कारण देना पड़ेगा। आप जब मेरे पास आइएगा मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा दूंगा, उसके बाद आप उसको अनुभव कीजिएगा, और जब आप भी अप्लाई कीजिएगा इस चीज़ को अपने ऊपर में, तो कभी भी कस्टमर आपको छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। क्योंकि कस्टमर को दो ही चीज़ चाहिए, थियरी दो ही चीज़ है, दो, एक तो रेट बेहतर चाहिए और एक क्वालिटी बेहतर चाहिए। उसके बीच में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है कि आप उसको क्वालिटी के रिगार्डिंग उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि
आपको खुद को भी आप ये अपने आप को देखिए कि क्वालिटी के बारे में आपको खुद कितनी जानकारी है, साइज के बारे में आप खुद कितना जानते हैं। जब आप खुद नहीं जानते हैं तब आपने बेहतर पीस कैसे परचेज किया होगा, वो तो फिर भगवान जानता है या फिर आप जानते हैं। जी जी, हर आदमी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको जानकारी नहीं, पर आपका जब खुद को जानकारी कि कॉटन क्या है, रेयन क्या है, मिक्स फैब्रिक कैसे होते हैं, 12 किलो क्या होता है, 14 किलो क्या होता है, तो आप वर्ड सुनते हैं आप, बट क्या आपको बारीकी से जानकारी इसके बारे में है? नहीं है। नहीं है तो बेहतर प्रोडक्ट कैसे परचेज किया होगा आपने जी? कि आपने, आपको ये जानकारी है कि किससे परचेज करना है, बाजार से परचेज करते हैं तो कितना कॉस्टलियर आता है, मैन्युफैक्चरर क्या वो असली मैन्युफैक्चरर है या नकली मैन्युफैक्चरर है। तो यह सब चीज़ें सीखने के लिए इसको सीखिए आप। यदि आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो 100% कस्टमर को तो आपके पास आना ही पड़ेगा दोस्त। जी बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जी जी, नेक्स्ट पॉइंट सर, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा प्रोडक्ट ग्राहक जोर कर देगा और कौन सा रायता फैलाएगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्त। जब आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट के औकात को देखिए, उसके सिलाई को देखिए। यदि उसका सिलाई ऐसा सिलाई नहीं है कि जो लंबा समय चले, जो सिलाई उधर जाए, तो इट्समेंट क्या होगा, कस्टमर तो रहता ही फैलाएगा। वो आपको किसी को, जिसको आप बेचिएगा वो दूसरे को रिकमेंड नहीं करेगा, किसी को ऑब्वियसली कोई पूछेगा तो मना ही तो करेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, कि भैया यहाँ पे मत जाने, यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, वैल्यू प्रोडक्ट नहीं होता है। जब आप बेचते अच्छा हैं प्रोडक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये रेफर करना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट की जब आप परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसी समय आप देखिए, आप सोचिए कि प्रोडक्ट क्या ऐसा तो नहीं कि रहता फैला देगा, ये लावारिस तो नहीं है, ये गुंगा प्रोडक्ट तो नहीं है। इसके बारे में विस्तार से बताया क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट लावारिस होता है और कौन सा गुंगा होता है, वो पीछे आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। जी 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 जी, तो परचेज करने से पहले देख लीजिए आप, ठीक है। कभी भी आपका दुकान ऐसा नहीं होगा कि आपका दुकान नुकसान दे दे आपको। जी, फ्री साइज कैसे आपके दुकानदारी को ख़त्म करता है दोस्त? ये फ्री साइज नहीं है, ये फ्री साइज क्या है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। जी, आप एक चीज़ बताइए, आपका कमर यदि सपोज कीजिए 34 है तो क्या 32 का पैंट पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, क्योंकि रेशियो में जो थाई का रेशियो होता है और आसन का रेशियो होता है वो कमर के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। फ्री साइज उसके लिए है जिस फैब्रिक में आपका स्ट्रेच हो, ठीक है। वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो उसकी स्ट्रेचबिलिटी है वो कितना है। सपोज कीजिए कोई कपड़ा ऐसा होता है 10 इंची है तो स्ट्रेच करके 12 इंची तक पहुंचता है, कोई कपड़ा ऐसा होता है जो स्ट्रेच करके आपका 15 इंची पहुंचता है, कोई ऐसा होता है 10 इंची वाला कपड़ा 20 इंची पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर में उसकी जो स्ट्रेचबिलिटी कितनी है। जी, और दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर एक चोर साइज कैसे पहचाने करके टाइटल और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि ज़्यादा जानकारी इस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो वीडियो आप देखें, बहुत काम आपके आने वाली है। फ्री साइज के चक्कर में कभी भी नहीं फंसिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं 4 पीस ले जाऊँ, माँ को भी पहना दो और बेटी को भी पहना दो, एक ही पीस में सबको ले जाऊँ, 4 कलर में काम खत्म हो जाइए। जी जी, ये पीस नहीं होगा, आपका दुर्भाग्य होगा। जो दुर्भाग्य आप पैसा दे करके खरीद करके लाएंगे, वो ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको आप बेचिएगा यदि उसको कंफर्ट नहीं होगा वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा दोस्त। इस बात को नोट कर लीजिएगा, पैसा दे करके दुर्भाग्य खरीदिएगा। जी जी, फ्री साइज खरीद रहे हैं तो दुर्भाग्य खरीद रहे हैं अपना। जी, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। जी, ज़्यादा जानकारी चाहिए आप मेरे पास आइए, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, या पिछले वीडियो देखिए आप। जी जी, पैसा देकर चोर साइज ले जाना या फ्री साइज के नाम पर। देखिए, जब भी आप फ्री साइज का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा चोर साइज आपके पास जाता है। उसका प्रोडक्ट, उसका परिणाम क्या होता है, जिस बच्ची को कमर से आ जाता है, ठीक है, तो उसके क्या होगा कि आसन लटक करके घुटने तक पहुंच जाएगा, और जिसका यदि कमर, जिस बहन का कमर ज़्यादा है उसके थाई में फंस जाएगा। तो पैसा दे करके ऐसा काम नहीं कीजिए कि फ्री साइज ले जाइए। फ्री साइज मीन्स चोर साइज। जी जी जी, बिल्कुल सही बात, वो पॉसिबल ही नहीं है। जी, सेल करने के लिए क्या क्या जानकारी का होना चाहिए जी, आपको जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से ये आपका नुकसान होता है। यदि आप सेल करने जा रहे हैं तो कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है बिना लाग लपेट के, स्पष्टता के साथ में, वो चीज़ आपको सीखना होगा। क्योंकि कस्टमर की कोई मानसिकता नहीं है ये सोच के नहीं लेता, भले 200 वाला कुर्ती वो 100 का ले जा रहा हो, पर तो ये सोच के वो नहीं लेता कि इसकी सिलाई 4 दिन के बाद इसका सिलाई यहाँ से उधर जाएगा, मतलब ठीक है, या इसके ऊपर रोएं आ जाएंगे। जी, तो इस तरह से सोच करके नहीं ले जाता, या इसका 4 वसवास के बाद ये कपड़ा श्रिंक करके पोछा बन जाएगा, कोई काम का नहीं रह जाएगा, उस समय पर क्या होता है आपका कस्टमर खराब होता है। तो लेने से पहले, खरीद करने से पहले, आप पैसा देने से पहले आप देख लें प्रोडक्ट को कि इसमें इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आएगी इसके अंदर में। जी, तो ये आपको पहले सोचने की जरूरत है। आपको सेल करने के लिए आपको सिलाई को खुद को भी पहचानना होगा, साइज को खुद को भी पहचानना होगा, बहुत ज़रूरी है। ऐसे 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए। भटकाने वाले दुकानदार और भटकने वाले ग्राहक कौन होते हैं, ये दोनों को आपको पहचानना होगा यदि कामयाब होना चाहते हैं। तो भटकने वाले ग्राहक का तात्पर्य वो हो गया कि जिसको कपड़े के बारे में कोई नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो उठना भी नहीं चाहता, सिर्फ उसको तन ढकने के लिए चाहिए, तो उसको आप कितना भी समझाइएगा आपके बात समझ उसको नहीं आएगी, ठीक है। और भटकाने वाले दुकानदार वो होते हैं, ठीक है, भटकाने वाले दुकानदार वो होते हैं जो कहता है GST फ्री, खाना फ्री,
रहना फ्री। ये कहता है 100 का लेगिंग ले लो, दूसरा उसका पिताजी पैदा हो जाते हैं, कहता है 80 में तो 80 का दूंगा, तीसरा कहता है कि मैं 50 का दूंगा, 40 का दूंगा, एंड उसका हो जाता है कि 10 रुपये किलो ले जाओ। कहाँ तक भटकिएगा दोस्त, आप समझिए कि क्या आता है 80 रुपये में, कौन सा लेगिंग आता है, लेगिंग या लेगिंग के नाम पे कलंक, जी जी जी, घास या घास का गोबर। सही बात, आप समझ रहे मैं किस भाषा का कह रहा हूँ, आप समझिएगा जी दोस्त, नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, वो नाम का लेगिंग होता है, काम का नहीं होता। और नाम का लेगिंग कभी भी आपको आपके दुकान को चला करके नहीं देगा, आपको भटका करके जरूर देगा, भटकते रह जाइएगा। जी जी, तो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसिए, क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन के, क्वालिटी जरूर चाहिए थी आपको, ग्राहक दोबारा चाहिए तो क्वालिटी आपको तो देना पड़ेगा रेट के साथ साथ। जी, रेट कैसे आपका बेहतर होगा, जो आपके आस पड़ोस में जो शॉप है उसके साथ अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन कीजिए, उससे बेहतर क्वालिटी, और वही फिर कंपैरिजन करने के लिए आपको खुद को जानकारी होना चाहिए कि सिंथेटिक है या कॉटन है, लोकल डाई है या मिल डाई है। जब आप खुद नहीं पहचानेंगे तो कैसे कंपैरिजन दीजिए देंगे आप। तो यदि आपको वाकई में आप सीरियस है काम के प्रति तो एक बार विजिट कीजिए, हम आपको सिखाएंगे, दस तरह के कपड़े आपको रख करके दिखाएंगे, आप खुद पहचान पाएंगे बेहतर ढंग से। जी जी, ठीक है जी। सर आपने लिखा हुआ है कि एक बिना कपड़ा साइज सिलाई पहचाने परचेज कर लेना, इसका क्या जी जी, इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता है कि किस कस्टमर को कौन सा साइज आएगा, स्मॉल है मीडियम है लार्ज। दोस्त ये स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंधे का लाठी है, आप मेरे पास आओ मैं आपको ऐसा दूंगा, आपको कैलकुलेटर दूंगा कि हम नहीं, देखिए क्या होता है, आप खुद कल्पना कीजिए किसी हमारे बहन को लार्ज आ रहा है तो क्या वो हमेशा लार्ज आता है, एक रामलाल से लार्ज लार्ज लेकर के आया तो क्या श्यामलाल का भी प्रोडक्ट लार्ज ही आ जाएगा उसको, वो कभी भी नहीं होता। एक से एक जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ऐसा पाबंदी तो नहीं लगाया कि लार्ज का मतलब 34 कमर को आ जाए या मीडियम का मतलब 34 कमर को आ जाए, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो जितना बड़ा जो बेईमान है ठीक है वो उतना बड़ा साइज लगा देता है, स्मॉल के ऊपर हमको मीडियम लगा देता है, उससे कोई बड़ा पैमाना आता है तो पीस रहता है स्मॉल, उसके ऊपर लगा देता है लार्ज, लार्ज के ऊपर कोई एक्सेल लगा देता है, कोई डबल एक्सेल लगा देता है। तो इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पीछे बताया हुआ है और अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपका कस्टमर 40 है, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ ताकि आप इजी कर लें, 40 को आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 10 इंची आए ठीक है, 10 के अंदर 4 जोड़ दीजिए 14 इंची, यानी कि उस पर्सन को जो चाहिए थाई वाला पार्ट, हाफ पार्ट उसका 14 इंची का चाहिए, थाई और 14 इंची का आसन चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगा उसके लिए। जी जी जी, और बारीकी से समझना है तो मेरे पास आइए, और वीडियो भी दोस्तों मैंने बना रखी है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन के वीडियोज़ को चेक कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हमने उम्मीद करते हो कि 8-10 वीडियो तो बना चुके हैं हम, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये 9वां वीडियो हमारा। हाँ हाँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। सर बिना सीखे ग्राहक को कैसे अपने से जोड़ रखा जा सकता है? देखिए दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, इस चैनल पे आपको सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्ट तो बैठे पाल आप सीख लेंगे कहीं से भी लेंगे, मेरा लालच इस बात का नहीं है, प्रभु की दया से सब कुछ, बजरंग वाले की दया से सब कुछ मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस एक ही चीज़, जो तकलीफ मैंने झेला वो तकलीफ आप ना झेलें, आप कामयाब हो जाएं। जी जी, और आप कामयाब होंगे उसी कामयाबी में मेरा विराज। आपको कामयाब होने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे रेट में चाहिए, वो मैं देके तैयार बैठा पा रहा हूँ। जी जी, उसमें आपको कहीं जाने नहीं दूंगा इतना, और यदि उसमें कोई गड़बड़ हुआ तो आप मेरा किराया, मेरे अपना आने जाने का किराया आप मुझसे ले लीजिए। कस्टमर को कैसे जोड़ा जा सकता है, जोड़ने के कई सारे तरीके हैं दोस्त, आप आइएगा शॉप पे आइएगा, आपको हम सिखाएंगे कि कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के जा नहीं सकता है। 100% आपको ये चीज करके दूंगा, इसमें कोई शक और वो कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी जी, पर इसके लिए आपको मुलाकात लेना होगा, एक बार मिलना होगा आपको। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हुए हैं दोस्तों, मैं वही पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ जो सर ने अपने एक्सपीरियंस से 35 पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे कि आप लोग बिजनेस में कभी फेल ना हो। और फेल क्यों होते हैं उनके ये कारण है, उनको एक्सप्लेन सर कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। बिना ग्राहक की परेशानी जाने कपड़ा परचेज कर लेना, इसका मतलब? जी जी जी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जी 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 जी, देखिए इसमें क्या होता है कि आप तो सिर्फ परचेज करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कस्टमर किस बात से परेशान है, उसको जब वो कपड़ा डालते हैं तो उनकी परेशानियाँ क्या है। मैं बताता हूँ, जैसे हमारी बहनें हैं जो थोड़ी हेल्थी हैं तो उनको क्या आता है, जैसे कुर्ती डालती है तो उसका क्या होता है, मोस्टली क्या होता है जो नॉन जो ब्रांड को छोड़ दे, नॉन ब्रांड में क्या होता है कि उसके बाजू में ये बाजू जा करके फंस जाता है, फंसने का कारण है। तो आप जानिए ना कि किस कारण से वो, मतलब उनकी परेशानी क्या है, उसकी परेशानी का आपको समाधान ला के दे दीजिए। तो आपको परेशानी के बारे में नहीं पता, सिर्फ प्रोडक्ट ले आए, अब जो प्रोडक्ट ले क्या पता उसमें ये बीमारी हो, और जिसको आप बेचेंगे वो कल को परेशान होंगे, तो परेशानी को आकर समझिए आप कि क्या परेशानी है।
और परेशानी किस कारण से है हम उसको पहले से जान सकते हैं, उसका एक कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है जो हम आपको बता देंगे कि इसका आर्म होल इतना रखिएगा, इस साइज पे इतना रहेगा, ठीक है जी, जी। तब आप जाकर परचेज कीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा तो बेहतर ढंग से कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ भी लगभग 30 से 40 रुपए के कपड़े का चोरी होता है जी, जी। डिपेंड करता है कि 50 रुपए के भी हो सकता है कि कपड़ा कितना कॉस्टलियर है वो। दूसरा परेशानी क्या है कस्टमर को और बता दूं आपको कि सिलाई को उधर जाना, खासतौर से यहाँ से सिलाई उधर जाना, उसको आप समझ नहीं पाते हैं और वही प्रोडक्ट आप ले आते हैं जी, तो क्या परिणाम आएगा, कस्टमर आपके पास वापस क्यों आएंगे। तो पहले इन चीजों को देखिए ना कि कस्टमर परेशान किस बात से है। अब जैसे सपोज कीजिए अब किसी बहन ने प्लाजो लिया, उसके इलास्टिक खराब हो गया, उसको पहचानिए आप, उसका सिलाई उधर गया, क्यों उधरा, किस कारण से उधरा, क्या कमी थी, उसको पहचान लीजिए आप और उसका समाधान ला के दीजिए ना आप, कस्टमर क्यों टूटेंगे आपसे। जैसे आपके प्लाजो वगैरह ये होते हैं, इनकी इलास्टिक वगैरह कुछ गारंटी, पूरा गारंटी का 6 महीने की गारंटी देता हूँ, वो तो हर वीडियो में बोलता हूँ मैं जी जी जी। जैसे आपने इलास्टिक का बोला था, तो इलास्टिक देखिए दोस्तों एक ऐसा होता है कि आप जाइएगा तो आपको एक पीस में डालने के लिए 75 पैसे का इलास्टिक भी लग जाता है, रुपया का भी लगता है, बट मैं अपने प्रोडक्ट में आपको 6 रुपये का इलास्टिक ला कर देता हूँ, इसलिए चूंकि वो इनविजिबल है और पूरा प्रोडक्ट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो आप देख नहीं पाते हैं, क्वालिटी को आप चेक नहीं कर पाते हैं जी। तो आप देखिए आप, बहुत सारा फैक्टर है इसके पीछे जी जी जी, जी। तो सर नेक्स्ट पॉइंट है नाम का आइटम खरीदना काम का नहीं जी 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 जी, नाम का आइटम या काम का आइटम जी। देखिए दोस्त इसका डेफिनेशन क्या है, जब भी आप वही फिर बात वही आ जाती है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो देखिए ये नाम का है या काम का। नाम का तात्पर्य है कि ये मतलब जिस परफॉर्म जिस उम्मीद से आदमी इस प्रोडक्ट को ले जा रहा है, क्या ये प्रोडक्ट उसके उम्मीद पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। सिर्फ देखने के तो नहीं है, कुर्ती या प्लाजो या लेगिंग जो भी आइटम है, सिर्फ देखने के लिए, जब देखने के लिए ही होगा वो तो कस्टमर वो आपको कभी भी उससे रिपीट नहीं आएगा आपके पास। जब कस्टमर रिपीट नहीं आएगा तो फिर आप काम कैसे हो, कामयाब कैसे होइएगा, आपका काम कैसे चलेगा जी। कहने का मतलब है कि जब खरीदारी करते हैं तो केवल डिजाइन ना देखें, मेजरमेंट देखे, सिलाई देखे, उसको अलट पलट करके देखे कि उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। पर वही देखने के लिए उनको मतलब देखने के लिए उनको देखने का तो मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या नॉलेज भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए कि सिलाई कैसे कितनी अच्छी होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है सर सुई धागे वाले आइटम की पहचान नहीं होना जी जी जी। सुई धागे का मतलब देखिए ऐसा है, कोई ऐसे एक प्रोडक्ट ऐसा जो ले जाए 4-6 बार पहनने के बाद उसको सुई धागे की जरूरत पड़ जाए, तो जब प्रोडक्ट आप उठाएंगे तो आपको हम आप हमारे पास आइए कि हम आपको बतला दे सिखा भी देंगे और पीछे वीडियो में दिखाया भी है कि ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है ठीक है इसमें सुई धागे की जरूरत कितने दिनों के बाद पड़ जाएगी आपकी जरूरत पड़ेगी आपको जी। तो कभी भी सुई धागे वाला प्रोडक्ट नहीं लीजिए, चूँकि आप कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट बेचेंगे और कस्टमर कितना भी सस्ता लेता है और उसका आप सुई धागा गिफ्ट करके देखिए आप जी जी कि ले जाइए कहाँ जरूरत पड़ जाए आपको, तो वो नहीं ले जाएंगे। सही बात है। तो ऐसा प्रोडक्ट फिर क्यों परचेज करते हैं आप जी 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 जी। थैला वे नाड़े वाले आइटम खरीद लेना जी 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 जी, जी। थैला वही फिर फ्री साइज आपका प्रोडक्ट आ गया। अच्छा कि जो यदि मान लिया जाए जिसका जो एक प्रोडक्ट फ्री साइज है जी, और यदि उसको किसी बच्ची ने हमारे इस बच्ची का कमर है, कमर आपका 30 है या 32 है या 34 है, यदि उस प्रोडक्ट को वो पहनती है तो नीचे से क्या होता है उसका आसन लटक जाता है, घुटने लटक जाता है जो कि बहुत गंदा लगता है, पैर उठाने में भी नहीं बनता, थैला से लटक जाता है वहाँ पे, खुल के चल भी नहीं पाती, खुल के नहीं चल पाती है जी, जी, और बुरा भी लगता है जी 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 जी, देखता है बुरा लगता है जी 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 जी। खुजली वाले आइटम खरीद लेना। खुजली वाले आइटम का तात्पर्य ऐसा है कि देखिए जो लोकल डाई के प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है, लोकल डाई यानी कि जो लेगिंग आप 60-70-80 में ले जाते हैं ठीक है, लोकल डाई के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं लेगिंग का लेता हूं आपको जी, लेगिंग में देखिए हमारे मोस्टली बहन जो परेशान होती है खुजली से परेशान होती है, दो कारण होते हैं उसके, एक तो धागा सिंथेटिक धागा लगा होता है जो कि इरीटेट करता है पहनने पर, और दूसरा कारण क्या होता है कि लोकल डाई क्या होता है, जब आप थोड़ा सा आपको पसीना निकलता है तो कलर ब्लीड करता है, कलर ब्लीड करने के कारण आपके बर्तन में खारिश होती है, खुजली होता है वो। अच्छा अच्छा। जो कि एलर्जी पैदा करता है वहाँ से। अच्छा तो जी, जो आपके प्रोडक्ट है उसमें कौन सी डाई लगाई जाती है सर? सर हम तो बहुत हाई क्वालिटी, जो हाँ अब तो कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो ब्रांड को टक्कर दे पाए मतलब हमारे ब्रांड को। अच्छा अच्छा जी जी, तो जी कोई भी ब्रांड आप ले हैं धुलाई के बाद कलर वगैरह नहीं निकलता प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता उसका, पूरी गारंटी। अच्छा अच्छा जी 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 बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट जो मेरे ग्राहक है वो जानते हैं इस बात को जी जी। ऑल इन वन आइटम खरीद लेना जी जी। ऑल इन वन दोस्त वो आइटम है, इसको भी पहचान लीजिएगा कि जैसे कीजिए सपोज कीजिए आपने कोई लेगिंग लिया कुछ दिन पहना, उसके घुटने निकल गए दोस्त, कुछ समय के बाद वो प्लाजो का शेप ले लेता है, तो इस तरह के आइटम होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, वो लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो उस प्रोडक्ट की पहचान कीजिए ना आप, 4-6 बार उसको कान खींच करके देख लीजिए आप, पता लग जाएगा आपको, तरीका आपको पहले से पता होना चाहिए जी जी। पॉइंट है सर पैसा देकर कस्टमर भगाऊ आइटम खरीद लेना, ये क्या है जी 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 जी।
अब जब गलत प्रोडक्ट कोई खरीदेंगे आप तो पैसा देकर के लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्वालिटी की पहचान आपको नहीं है जी, तो क्या इसका इम्पैक्ट क्या आएगा जब आप बेचेंगे, तो कस्टमर जब उसको, कस्टमर हमारा जब उसको यूज करेगा तो उसके बारे में उसको पता तो चल जाएगा उसको, तो पैसा देकर के हम गलत प्रोडक्ट ले आए और इधर पैसा देकर के लेकर और साथ में कस्टमर ही भाग गया, मेरे से भाग गया। अच्छा अच्छा, जी जी, जो प्रोडक्ट खरीद के ले गया वो 2-3 दिन में ही या पहली जुलाई के बाद ही खत्म होना जी 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 जी, तो कस्टमर क्या उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो दुकान कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है किस आइटम को धक्का मार के बेचना पड़ेगा और कौन सा ऑटोमेटिक बिकेगा जिसकी पहचान नहीं हो पाती। देखिए इसके लिए देखिए आप जब गलत प्रोडक्ट आप लाएंगे जी, लावारिस प्रोडक्ट लाएंगे, गुंगा प्रोडक्ट लाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी पहचान नहीं है तो आपको उसको छुपा करके बेचना पड़ेगा आपको जी। ऐसा प्रोडक्ट परचेज कीजिए जिसको सीना ठोक करके आप बेच पाएँ, उसके अंदर उसके सिलाई की क्वालिटी को आप जान जाइए जी, ठीक है, उसके साइजिंग को जान जाइए, कपड़े को पहचान लीजिए, ताकि छाती ठोक करके बेचिए ना, माल तो बिकता है, क्यों नहीं बिकेगा माल। मेन प्रपज है कि सिर्फ जानकारी का, जानकारी होनी चाहिए, बस बस, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। और आपके यहाँ पर फुल श्योरिटी क्वालिटी की भी मिलती है जी, और स्टिचिंग की भी मिलती है, कपड़ा फैब्रिक की भी मिलती है और रेट की भी मिलती है जी 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 जी। सर एक शायद आखिरी पॉइंट है, ग्राहक को अपनी दुकान पर कैसे बुलाया जाए बिना जाने दुकान खोल लेना। जी 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 जी, देखिए आपको पता नहीं है कि कस्टमर को कैसे हम अपने कस्टमर दुकान पर बुलाया जाए, यानी कि कैसे कस्टमर को परमानेंट किया जाए अपने पास, ठीक है, और बुलाया कैसे जाए, तो आइएगा। इसके लिए पूरा एक हमने एक लिस्ट अपने पॉइंट्स तैयार किए हैं, ठीक है, आपको पूरा बतलाएंगे, पूरा ट्रेन करेंगे उसके लिए कि कस्टमर को कैसे बुलाना है जी। बहुत सारे आज के टाइम सोशल मीडिया का है आपका जी, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपको हम जिससे आपको अवगत करवाएंगे और आप उसको यूज कीजिएगा, जरूर कस्टमर आपके पास आएंगे, 100% आएंगे आपके पास जी। तो दोस्तों ये पॉइंट पूरे हुए, जो 35 पॉइंट्स मैं बता रहा था आपको, पार्ट वन और ये पार्ट टू, यदि दोनों वीडियो को आप एक साथ देखोगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। मेन मकसद यही है कि आप कहीं इधर उधर अपने पैसे बर्बाद ना करो, दुकान खोलने से पहले आप समझ लो कि क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोग फ़ायदा फ़ायदा देख लेते हो, नुकसान के बारे में नहीं सोचते, और जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। और वो नॉलेज के लिए ही मैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बना करके लाता हूँ। ऐसी रावत जी अपना इतना कीमती समय निकाल करके आपके लिए वक्त देते हैं, आप समझे। और अब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइव भी मैं कराने वाला हूँ, 5 बजे से 6:30 या 7 बजे, या लगभग 1.5 से 2 घंटा हम लाइव रहेंगे। जितने ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकते हैं उतने जुड़िएगा। जिन लोगों को ऐसी रावत जी पर या हमारे चैनल पर विश्वास है कि हाँ हम सटीक जानकारी, सही जानकारी आप लोगों को देंगे, आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी वॉच कीजिएगा। और लाइक शेयर तो आपका बिल्कुल बनता है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लाते हैं जी। सर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, देखिए ये जो चैनल है कोई धोखा देने वाला चैनल नहीं है, कोई धोखाधड़ी का काम हमारा नहीं है, कोई इधर उधर की बात करने का नहीं है हमारा जी, ठीक है, हम स्पष्ट बात करते हैं जो आपको बिल्कुल, जिससे कि आप बच पाए जी जी। दूसरा एक देखिएगा, मैंने एक इमेज ये लगाया है, ये इमेज कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए पूरा पृथ्वी जो है आपका बंजर खाली पड़ा हुआ है, आप उतना ही करेंगे, मतलब आप उतना पैदा कर सकते हैं जितने आप जोत पाएंगे आप, तो आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए आप, ठीक है, आप उतना कर पाएंगे दुकानदारी, ठीक है, जितना आप चाहेंगे, ये शो कर रहा है जी जी जी। जानकारी के अभाव में क्या होता है, देखिए बिजनेस क्या होता है, हमारा एक परिवार होता है, बिजनेस जो हमारा बिजनेस क्या है, देखिए हम अपने परिवार जैसे एक नाव में, ये नाविक जो है अपने पूरे परिवार को एक नाव में बैठा करके ले जा रहा है, ठीक इस प्रकार से हम अपने बिजनेस के अंदर भी जब हम बिजनेस करते तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता है, और वो भी इस रिस्क में होते हैं, तो डिपेंड किस पे करता है, इनके पर करता है कि ये कितना एक्सपर्ट है, यानी कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं आप कितना एक्सपर्ट है, आपका पूरे परिवार का भविष्य जो है वो दांव पे होता है। जैसे यहाँ पे यदि ये गलती करेंगे तो पूरा परिवार डूब जाएगा, वैसे हम व्यवहार में गलती करेंगे तो पूरा परिवार हमारा डूबेगा, और डूबने में सब दूसरा योगदान होता क्या होता है कि नाव के अंदर ये छेद हो जाए तो पानी बढ़ेगा, नाव डूब जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट यदि गलत है आपका, रॉन्ग प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, तो आप कितना भी एक्सपर्ट चलाने वाले हो और प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो जैसे नाव भी डूबेगा वैसे अपना बिजनेस भी डूबेगा ही डूबेगा। बिल्कुल सही बात, इन बातों को ध्यान रखिए, सीखिए। तो दोस्तों काम की इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए होती है, इतने जो टॉपिक के आधार पर ये फोटोज क्लिक किए जाते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे कि अच्छे से अच्छे समझ आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो सके, जानकारी
बताने में और एक प्रैक्टिकली दिखाने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी मिले और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो बर्बाद ना हो। तो ये कुछ कारण है जो लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं कपड़े के बिजनेस को मगर कामयाब नहीं होते। यदि सफल होना है तो ये वीडियोज़ ख़ास तौर पर जो पीछे की पार्ट वन है और पार्ट टू है ये वीडियो ज़रूर देखें। और मैं तो कहता हूँ यदि कपड़े के बारे में सीखना है, जानकारी करनी है, तो 7-8 वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि सर कौन सी वीडियो थी वो, कि चोर साइज़ की पहचान कैसे करें, और एक काम करते हैं, जैसे ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे, एक काम करते हैं उसका लिंक आप उसमें डाल दीजिए। हाँ, मैं लिंक डाल देता हूँ उसमें, लिंक ऑलरेडी मैं हर वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन यदि खोलना नहीं आता मैं बता देता हूँ, वीडियो के बराबर में नीचे एक एरो का छोटा सा निशान होता है, उस पर क्लिक करना होता है, डिस्क्रिप्शन खुल जाता है और उसमें नीले कलर के लिंक दिखाई देते हैं, उन पर क्लिक करना है, वीडियो चल जाएगी। बस इतना सा काम है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, लंबे समय के लिए कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप वीडियो ना देखे आपको समझ में ना आए और जब आपका बिजनेस चलना बंद हो जाए, आपके पास कस्टमर आना बंद हो जाए, तब आपको याद आए कि सर ने कोई इन्फॉर्मेशन बताई थी हमें, तब आप वीडियो देखो और अपना माथा पटको कि हम पहले देख लेते तो हमारे साथ गलत ना होता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। और आपकी एक और क्वायरीज आ रही है कि आप श्री बालाजी क्रिएशन का प्रोडक्ट नहीं दिखाते, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, लाइव से पहले ही कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां का पूरा आउटलुक दिखा दूं, पूरा टूर करा दूं कि सर का गोदाम कितना बड़ा है और सर की फैक्ट्री में भी कोशिश करेंगे जाने की अगर टाइम हुआ तो, और नहीं तो आपको प्रोडक्ट जो जो भी यहाँ बनते हैं सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।